नमस्कार सभी को, मेरा आदरपूर्ण नमस्कार। मैं टीजीटी नॉन मेडिकल कुशल मित्तल, राजकीय उच्च विद्यालय किशनपुरा से। आज हमारे विद्यालय में एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 मेला आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर, इस मेले के तहत हमारे स्कूल के सभी अध्यापक साथी और बच्चों ने बड़ी मेहनत से आपस में मिलकर लगभग हर विषय के कुछ मॉडल्स तैयार किए हैं। अध्यापक साथियों ने कुछ टीएलएम तैयार किए हैं, कुछ चार्ट्स बनाए हैं। आइए एक झलक देखते हैं इस एनईपी मेले की। करो। नमस्कार, मेरा नाम मानी है। मैं राज्य के उच्च विद्यालय की 8वीं कक्षा की छात्र हूँ। आज हमारे विद्यालय में एनईपी मेला बनाया जा रहा है, जिसमें अध्यापक और बच्चों ने मिलकर मॉडल चार्ट आदि तैयार किए हैं। आइए आगे देखते हैं एक झलक। ये देखिए साथियों, सबसे पहले हमारा गणित का सेक्शन है, आओ गणित सीखें सिखाएं। और शुरुआत हुई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की कुछ हाइलाइट्स, कुछ मुख्य बिंदु। स्कूली शिक्षा प्रणाली में परिवर्तनकारी सुधार स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे हैं। और इसके साथ ही एक और चार्ट यहाँ पर लगा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। शिक्षा प्रणाली में पैटर्न में जो चेंज आया है, 5+3+3+4 प्रणाली, उसके बारे में कुछ डिटेल्स यहाँ पे मेंशन की गई हैं। एक बहुत अच्छी पहल। ये देखिए साथियों, पाइथागोरस प्रमेय को समझाने के लिए एक चार्ट और उसके साथ ही एक बच्चों के द्वारा बनाया गया सुंदर सा मॉडल, लाइव मॉडल, वर्किंग मॉडल पाइथागोरस प्रमेय। आइए बच्चों से बात करते हैं। बेटा, आप लोगों ने बनाया है। नमस्कार, मैं 10वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मेरा नाम काजल है। हम आपको बताना चाहते हैं कि हमने और हमारे अध्यापक, गणित के अध्यापक ने ये बनाया है। अच्छा। इसका वो इस चतुर्भुज का योग इन दोनों के क्षेत्रफल के बराबर होगा। आइए देखते हैं। बेटा, इसमें क्या यूज किया है आपने? ये जो गोल गोल है, क्या है ये? इसमें हमने की है यूज शर्मा, सरसों के दाने हैं ये दाने। अच्छा, तो है क्या ये पाइथागोरस प्रमेय? कैसे आप सिद्ध करोगे इससे? बेटा, हम इससे सिद्ध करेंगे जो इस उसमें शर्मा ये है। इसको हमने ऐसे घुमाया तो एक समकोण त्रिभुज बना है बीच में। ये इस समकोण त्रिभुज का कर्ण आपने, अच्छा, तीन चतुर्भुज बनाए, तीन वर्ग बनाए हैं। सरसों के दानों को अगर इसको ऐसे घुमाएं तो ये, हाँ, समझ में आ गया। बहुत अच्छा मॉडल है साथियों। इसमें आप देख पा रहे हैं कर्ण का वर्ग लंब और आधार के वर्गों के जोड़ के बराबर। बच्चों ने इसमें सरसों के दानों का इस्तेमाल किया है। कर्ण की तरफ से इसको पूरा घुमाएं तो ये सरसों के दाने नीचे वाले दोनों सेक्शंस को पूरा भर देते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कर्ण वाले वर्ग का एरिया इन दोनों के एरिया के जोड़ के बराबर होता है। बहुत अच्छा बेटा, शाबाश। आइए साथियों, और कुछ मॉडल देखते हैं। ये यहां पर 9वीं क्लास का टॉपिक रेखाएं और कोण समझाने के लिए बहुत ही अच्छा सा एक मॉडल बच्चों ने बनाया है। इसमें आप देख पा रहे हैं दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काट रही है। तो इस मॉडल से मुझे लगता है रेखाएं और कोण चैप्टर का हर एक टॉपिक, हर एक कोण को समझा जा सकता है। चाहे वो एकांतर कोण हो, चाहे वो संगत कोण हो, चाहे पूरक और संपूरक कोणों को समझाना हो, ये एक बहुत ही कारगर मॉडल, एक बहुत ही अच्छी टीएलएम साबित हो सकती है। इसके बाद अगला जो मॉडल है, ये भी आप देख पा रहे हो बेटा, बच्चों किसने बनाया ये वाला मॉडल? किसने बनाया ये? हमने और हमारे गणित के अध्यापक ने मिलकर ये बनाया है। अच्छा, इससे आप क्या समझाना चाहते हो इस मॉडल से? बेटा, क्या समझाना चाहते हो इससे, क्या पता चलेगा? इसमें जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, अलग अलग आकृतियां बनाई जा सकती हैं। पहले तो ये देखो, ये एक त्रिभुज है, ये एक वर्ग भी बना है नीचे, और इसमें जो आपने डी लगाई हैं, ये इनका क्या पर्पज है? कोणों को मापने के लिए, कि केंद्र पे बना हुआ कोण कितना होगा, किसी
पॉलीगन के सभी कोणों का जोड़ कितना होगा, सारी बातें बिल्कुल सही साथियों, ये सारी चीजें इस मॉडल से सीखी जा सकती हैं। तो ये भी एक बहुत ही कारगर, एक सक्सेसफुल टीएलएम साबित हो सकती है मैथ्स को पढ़ाने में। इसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वृत्त व उसके भाग, ये बड़ा ही सुंदर सा एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल साथियों, इसको सर्कल जियो बोर्ड भी कह सकते हैं हम। कीलों की सहायता से एक सर्कल बनाया गया है और रबड़ बैंड से, ये देखिए आप, रबड़ बैंड से एक वृत्त के सभी भाग यहाँ पे दर्शाए जा सकते हैं, चाहे वो त्रिज्याखंड हो, चाहे वो वृत्तखंड हो, चाहे वो इवन किसी चाप को भी यहाँ पर दिखाया जा सकता है कि ये जैसे चाप है, ये एक त्रिज्याखंड है, लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, सभी चीजें यहाँ पे दिखाई जा सकती हैं। बहुत अच्छा ये मॉडल साबित हो सकता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं साथियों, ये बहुत ही सुंदर सा एक मॉडल, एक सुंदर सी टीएलएम जियो बोर्ड, ज्योमेट्रिकल बोर्ड, ज्यामितीय बोर्ड। ये मॉडल भी मल्टीपल शेप्स को समझाने के लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकता है साथियों। यहाँ भी आप देख पा रहे हैं ऑफिस में यूज होने वाली पुश पिंस का इस्तेमाल किया गया है और साथ में इस्तेमाल किया गया है रबड़ बैंड्स का। जी हाँ, रबड़ बैंड्स का, ये देखिए यहाँ पे पतंग नुमा आकृति बनाई गई है, ये आपके सामने एक समकोण त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज और उसके साथ नीचे एक समलंब, इस तरह लगभग कोई भी आकृति इस ज्योमेट्रिकल बोर्ड से समझाई जा सकती है, छोटे बच्चों के लिए और बड़े बच्चों के लिए, सभी के लिए कारगर साबित हो सकता है। ये क्या है बेटा, ये एक्टिविटी क्या है, किसने बनाई है ये, इसका तो पता। ये एक्टिविटी किसकी है, चलिए इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, शायद बच्चे दूसरे सेक्शन में बिजी हैं अभी। ये एक एक्टिविटी है साथियों, हम 10th क्लास में 9th क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं कि एक बेलन का जो आयतन होता है वो किसी शंकु के आयतन का 3 गुना होता है, यानी कि बेलन का आयतन रहता है पाई आर स्क्वेयर एच और शंकु का आयतन रहता है 1/3 πr²h। आइए मैं आप लोगों को क्लियर करके बताता हूँ कि इस एक्टिविटी से हम बच्चे को वो आयतन कैसे समझा सकते हैं। बेटा एक मिनट जरा ये पकड़ना, यहाँ पे फोकस करना। देखिए साथियों, यहाँ पे हमने 2 आकृतियां बनाई हैं, एक शंकु और एक है ये बेलन। खास बात क्या है कि जितनी ऊंचाई इस शंकु की है उतनी ही ऊंचाई का ये बेलन और इसका डायामीटर यानी कि इनका व्यास भी बराबर है। आइए देखते हैं कि जो हम फॉर्मूला शंकु और बेलन के आयतन को निकालने के लिए पढ़ते हैं क्या वो इस एक्टिविटी से साबित होते हैं। अगर वो फॉर्मूले सही हैं तो एक बेलन में इस तरह के 3 शंकु पूरी तरह समा जाने चाहिए। आइए हम करके देखते हैं। यहाँ पे गिलास में हमने सूखी रेत ली है, ये देखिए साथियों, लगभग 1 शंकु हमने पूरा भर लिया है और इसको मैं डालने जा रहा हूँ इस बेलन बेलनाकार बर्तन में। एक, दो, और ये हो गया साथियों 3। यस बिल्कुल, तो आप देख पा रहे हैं कि 3 शंकु मिलकर एक बेलन के बराबर आयतन को घेरते हैं। इस तरह साबित हो जाता है कि जो शंकु का आयतन होता है वो उसी व्यास और उसी ऊंचाई के बेलन के आयतन का 1/3 होता है, यानी कि 1/3 होता है। थैंक यू बेटा। यस, ये देखिए बच्चों ने कितनी प्यारी सी एक आकृति बनाई है, त्रिविमीय आकृति, और इसको दीवार पे सजा भी दिया है और इस पे लिखा है IMS Fair। यस, गोला है साथियों, आप देख पा रहे हैं। इसके साथ ही 8th क्लास के बच्चों ने बनाया है वर्गमूल घड़ी, इसमें देखिए जैसे नॉर्मल घड़ी में 1 से लेकर 12 तक लिखा होता है, इसमें बच्चों ने इसको वर्गमूल की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। वर्गमूल सीखने सिखाने के लिए एक बेसिक वर्गमूल सिखाने के लिए अच्छा मॉडल साबित हो सकता है। ये देखिए 10th क्लास
त्रिकोणमिति की कुछ त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, नौवां चैप्टर। किसी भवन, किसी खंभे, किसी पेड़ पर चढ़े बिना उसकी ऊंचाई को मापने के लिए एक जादू है ये त्रिकोणमिति। इंक्लिनोमीटर दसवीं क्लास के बच्चों ने तैयार किया है, ये आप देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ सुंदर सुंदर चार्ट्स भी हैं, ये आपके सामने प्रस्तुत हैं। वृत्तों का परिवार, वर्ग और आयत का क्षेत्रफल। यस, ये एक बहुत ही सुंदर सा चार्ट दिख रहा है यहाँ पर। बेटा ये किसने बनाया ये चार्ट? आठवीं क्लास, क्लास एट साथियों, यहाँ पे लिखा है। किसने बनाया बेटा? आपने बनाया है। नाम क्या है बेटा आपका? अच्छा, अंशिका, एट क्लास। बेटा ये आपने किस टॉपिक पे बनाया है चार्ट? क्या बनाया है आपने, कैसे, थोड़ा सा समझाओ। सम और विषम संख्याओं के बारे में बताया है, इवन नंबर, ओड नंबर। साथियों देखो मेंशन भी है यहाँ पर। ये बहुत ही सुंदर सा ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करने वाला चार्ट बच्चों ने बनाया है। बताओ बेटा इसमें, जो दो के पहाड़े में आते हैं, कटने का मतलब जो दो से पूरी तरह भाग हो जाते हैं। वेरी गुड। और ओड नंबर बेटा? जो दो दो के जोड़े बनाने के बाद कुछ बच जाता है। बिल्कुल साथियों, ये देखिए यहाँ पर साथ में दिखाया भी है, दो के मल्टीपल्स में यहाँ पे ये डांसिंग पपेट्स दिखाई गई हैं। दो दो के मल्टीपल में दो दो के जोड़े बन रहे हैं। और विषम संख्याओं की बात करें तो एक, तीन, पांच, सात, अगर दो दो के जोड़े बनाए तो फिर एक लास्ट में रिमाइंडर बच जाता है। और नीचे कुछ लिखा भी है बेटा, ये आपने लिखा है नीचे, ये क्या है? ये मतलब सम और विषम संख्याओं की पहचान करवाने के लिए लिखा है। yes, थोड़ा सा पढ़ के सुना दो। शाबाश। आओ बच्चे, बच्चों तुम्हें सिखाओ, मैं सदा जोड़े में आऊं, दो दो के जब जोड़े बनाओगे बाद में तुम सुनने ही पाओगे। वेरी गुड। ये किसकी पहचान है बेटा? सम संख्याओं की पहचान। और इधर विषम संख्याओं के बारे में भी साथियों बड़ा अच्छा लिखा है बच्चे ने। बोलो बेटा। मैं दो के जोड़े में नहीं आता इसलिए विषम कहलाता, दो दो के जब जोड़े बनाओगे एक साथी को छूटा पाओगे। वेरी गुड। तो जैसा कि आप जानते हो साथियों, एक रिमाइंडर बचता है लास्ट में, उसी की फॉर्म लिखती है, एक साथी को छुट्टा पाओगे। वेरी गुड बेटा, थैंक यू। आगे साथियों, वृत्त का क्षेत्रफल, ये देखिए चतुर्भुज और त्रिभुज के अंतः कोणों के जोड़ को समझाने के लिए एक बहुत अच्छी टीएलएम यहाँ पे प्रस्तुत की गई है। ये देखिए, इस चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ 360 और त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे समझाया गया है। यहाँ पे भी पुष्पिंस की हेल्प से इन कोणों को काटकर एक साथ जोड़ लिया गया है। देखिए 360 डिग्री और 180 डिग्री। उसके बाद ये कुछ, यस, ये कुछ अलग सा दिख रहा है साथियों, ये क्या है, आइए जानते हैं इसके बारे में। बेटा ये किसने बनाया है? ये टॉपिक तो 10th क्लास का है, किसने बनाया है ये? जोड़े बनाए आपने बनाया है बेटा। अच्छा, ये 10th क्लास की सिमरन, राजकीय उच्च विद्यालय किशनपुरा की छात्रा। बेटा ये कैसे बनाया, ये आपके दिमाग में कैसे आया कि ये मॉडल बनाना है? ये मॉडल हमने आओ जोड़े बनाया है, इसमें बैटरी और तारों की सहायता से। अच्छा, इस मॉडल का नाम है आओ जोड़े बनाए। जैसा कि आप देख पा रहे हो साथियों, इस मॉडल में जोड़े मिलाने हैं। एक्चुअली मैं कंसेप्ट को समझ गया हूँ, घनाभ का आयतन, इनमें से बताना है कौन सा फॉर्मूला है। यस, फॉर्मूला को समझने के लिए ये मॉडल बहुत ही हेल्प कर सकता है, फॉर्मूलों को समझने में और फॉर्मूलों को याद करने में स्पेशली। बेटा यूज कैसे करेंगे इसको, मैं उतार लेता हूँ नीचे, थोड़ा सा बताओ इसको, इसमें आपने यूज क्या किया, पलट के दिखाना जरा। इसमें हमने एक बैटरी और तारों को और किलो का यूज किया है। अच्छा, किलो का। साथियों देखिए, और शायद ये मिठाई का डिब्बा है। यस, तो साथियों कबाड़ से जुगाड़। यस, मिठाई का खाली डिब्बा, उसका ढक्कन, किले, बैटरी, घर में यूज होने वाली वायर, इन चीजों का यूज किया गया है। बेटा थोड़ा सा इसके बारे में बताओ, इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, क्या है इस मॉडल का कंसेप्ट? जैसे मान लो घनाभ का आयतन हमें जानना है, घनाभ का आयतन कितना होता है, तो कैसे इसको यूज करेंगे हम? जैसे हमें घनाभ का आयतन लेना है तो यहाँ पे ये लगा के, हाँ, घनाभ का आयतन होता है एन गुना बी गुना एच। अच्छा, इसको तो इसका ही ओके ओके ओके, समझ गया। साथियों देखिए यहाँ पे बल्ब जल रहा है। बेटा इसके अलावा अगर कहीं और इसको लगाएंगे तो ये नहीं जलेगा, तो नहीं जलेगा। वेरी गुड, क्या बात है। एक और जरा चेक करवाओ, दूसरा बेलन का आयतन, ये बेलन के आयतन में
जलेगा ये फायर। ओ साथियों देखिए, ये सिर्फ बेलन के आयतन में ही जलेगा, ये और किसी के में नहीं। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा ये मॉडल बच्चों। और इस मॉडल को साइंस के साथ भी जोड़ा जा सकता है, क्योंकि इसमें बैटरी, तार, सुचालक, कुचालक, बहुत सारी चीजें इस मॉडल के साथ जोड़कर बच्चे को समझाई जा सकती हैं, अगर इसको हम अपनी प्रैक्टिस में यूज कर लें। बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। आइए साथियों आगे चलते हैं। अब ये कुछ सर्वांग समता, पूरक संपूरक कोण समझाने के लिए कुछ मॉडल यहाँ पे और प्रस्तुत है। कुछ चार्ट्स हैं यहाँ पर बहुत सारे, एक और यहाँ पर साथियों बिल्कुल इसी तरह का एक और, आओ जोड़े मिलाएं। ये भी किसी टेंथ के बच्चे ने बनाया है। किसने बनाया बेटा ये? योगिता, योगिता। ये कौन सा चैप्टर है बेटा? त्रिकोणमिति। देखिए साथियों बेसिक फॉर्मूले समझने के लिए, साइन, कॉस, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंट और कॉट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को जानने के लिए ये बेसिक सा एक मॉडल बनाया गया है, वर्किंग मॉडल है। और जैसा मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि कुचालक सुचालक साइंस के साथ जोड़ा जा सकता है इसको बिल्कुल। बताओ बेटा इसके बारे में, इसमें भी बल्ब ही जलता है? अच्छा, साइन थीटा, ठीक है। अच्छा साइन थीटा, जैसे साइन थीटा का फॉर्मूला क्या रहता है? साइन थीटा का फॉर्मूला, साथियों देखिए ये जल रहा है साइन थीटा, इसके अलावा इसको कहीं और लगाना या साथियों जब तक ये मिसमैच होता रहेगा ये नहीं जलेगा, लेकिन जैसे ही ये सुटेबली मैच हो जाएगा तो ये जलना शुरू कर देगा। वेरी गुड, बहुत, जिस पे सही होगा उसी पे जलेगा। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा प्रयास किया है आपने। वेरी गुड, यस बच्चों ये टीम है हमारी टेंथ क्लास के बच्चे, इन बच्चों ने मिलकर ये सारे मॉडल्स, चार्ट्स, आठवीं क्लास, दसवीं क्लास, ये देखिए साथियों दसवीं के बच्चे, आठवीं के बच्चे, छठी से लेकर दसवीं क्लास, वैसे सभी बच्चे एक्टिव रहे हैं, सभी ने बढ़ चढ़कर इस एनईपी मेला में हिस्सा लिया है। और यहाँ पर हमारे स्कूल के बच्चे ये बैठे हैं, ये हमारे माननीय एसएमसी के मेंबर्स जिनको हमने एनईपी मेला में आमंत्रित किया है, इनकी देखरेख में सारा काम स्कूल बहुत ही सुचारू ढंग से चल रहा है। ये हमारे स्टाफ मेंबर, हिंदी के टीचर, एसएससी के टीचर, इंग्लिश के टीचर, बहुत ही मेहनती स्टाफ है हमारे स्कूल का साथियों। आइए यहाँ पे और जानते हैं हम, एक मॉडल और यहाँ पे रह गया है, एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम को ज्ञात करने के लिए बहुत ही अच्छा। इसके बाद अब बारी आती है इंग्लिश और सोशल साइंस के सेक्शन की, टीएलएम इंग्लिश एंड सोशल साइंस, ऐसा आप देख पा रहे हो। तो यहाँ पे साथियों सबसे पहले चार्ट में दर्शाई गई है वायुमंडल की विभिन्न परतें, देखिए बहुत ही सुंदर सा मॉडल, अंजलि कक्षा 9 की छात्रा ने इसको बनाया है। उसके साथ ही यस, ये देखिए साथियों जिलों के नाम, जिलों के नाम याद करने के लिए, जिलों को समझने के लिए बहुत ही अच्छा मॉडल, एक गमले और प्लांट की हेल्प से इसको तैयार किया गया है, बहुत ही सुंदर सी प्रस्तुति। ये देखिए साथियों ज्योग्राफी मैपिंग, यस बच्चों ने बहुत मेहनत की है साथियों इन मॉडल्स, इन चार्ट्स को बनाने में। इंग्लिश ग्रामेटिकल पोर्शन, प्रीपोजिशंस को समझने के लिए, ये किसने बनाया है? ये आपने बनाया है। नाम क्या बेटा आपका? आप विनय, कक्षा 9th। साथियों विनय कक्षा 9 का छात्र, बेटा ये प्रीपोजिशन का आपने चार्ट बनाया है, किसकी हेल्प से आपने ये बनाया? पोस्टर। अच्छा वो स्टेशनरी आपने सारी यूज करी है, आपके सब्जेक्ट टीचर ने हेल्प की होगी बनाने के लिए? अच्छा आपका साथी इंग्लिश, कौन सब्जेक्ट टीचर आपके साथ हैं, उनको बुला लीजिए जरा। मैम ये साथियों राजकीय उच्च पाठशाला किशनपुरा में 9th क्लास के इंग्लिश के सब्जेक्ट टीचर हैं श्रीमती उमा शर्मा, उमा मैम, इन्होंने बच्चों को बहुत अच्छा गाइड किया है ये सारे चार्ट्स वगैरह बनाने के लिए, अपने अपने सब्जेक्ट में, और टीचर ने काफी मेहनत की है।
तो बेटा क्या है ये, थोड़ा समझाओ इसको हमें। अच्छा, ये वो वर्ड, ये वो छोटे छोटे टर्म्स हैं जो हम सेंटेंसेस के बीच में यूज करते हैं। अच्छा, इन, ऑन। यस साथियों, देखिए, बिलो, अबव, ऊपर, नेवर, आसमान में, फेल, दूर। अपोजिट वर्ड्स भी समझे जा सकते हैं इससे, है ना? और सर, बिना, बिना, फ्रंट, आगे। देखिए साथियों, अपोजिट वर्ड्स भी समझे जा सकते हैं, प्रीपोजिशंस भी समझी जा सकती हैं। और तीसरी बात, एक बहुत ही अच्छी ड्राइंग का भी नमूना पेश किया है यहाँ पर बच्चों ने। वेरी गुड बेटा। ये देखिए साथियों, जल के स्रोत, टेंसेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, बहुत अच्छे। इसके बाद आगे आते हैं साइंस के सेक्शन पे। यहां पर एक मॉडल आर्टिकल्स का भी है साथियों, देखिए। ये कक्षा 9 की छात्रा साक्षी ने तैयार किया है। साथियों, एक टेंसेस का बहुत अच्छा यहाँ पे चार्ट तैयार किया है। ये किसने बनाया बेटा? ये योगिता, योगिता आज है। नाम योगिता चौहान है, मैं कृषि दशमी छात्रा हूँ। हमने टेंस का चार्ट बनाया है। टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ये आगे टेंस की ब्रांचेस हैं और इनकी रूल्स हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की सेकंड फॉर्म, प्लस एस सी एस, ये पास्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये फ्यूचर में वर्ब की वर्ब, फिर प्लस वर्ब, ये इनके मतलब प्रकार हैं। ओके, ये इसमें ये हमने बनाया और हमारी मैम ने, संगीता मैम ने बहुत हेल्प की है। बहुत अच्छे साथियों, ये स्क्रीन पे आप जिन्हें देख रहे हैं, शख्सियत हमारे स्कूल में, राजकीय उच्च पाठशाला किशनपुरा में, श्रीमती संगीता कुमारी, टीजीटी आर्ट्स। बहुत मेहनत करवाते हैं बच्चों को, तो टीजीटी आर्ट्स की दो पोस्ट हैं हमारे पास, श्रीमती संगीता कुमारी और श्रीमती उमा शर्मा, जिनसे आप पहले रूबरू हुए थे। दोनों ही टीचर्स बेहतरीन हैं, दोनों ने बच्चों की बहुत हेल्प की है, बहुत अच्छा गाइड किया है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आउटपुट सामने है, हाथ कंगन को आरसी के और पढ़े लिखे को फारसी किया। वेरी गुड बेटा, थैंक यू मैम। इसके साथ अगला सेक्शन बच्चों साइंस, यस, वर्षा के प्रकार शुरू होता है। ये कॉमन सा टॉपिक है वैसे साइंस, कॉमन। अच्छा, इसको तभी आपने ब्रिज में लगा दिया क्योंकि ये दोनों को कवर करता है। यस साथियों, एक एल्बो बना रहा है ये साइंस और सोशल साइंस के बीच में, बिकॉज एनवायरमेंटल साइंस का टॉपिक है वर्षा के प्रकार। बोलो बेटा। तो देखो साथियों, एग्जामिनेशन के लिए कंटेंट भी तैयार हो रहा है क्योंकि चार्ट में लिखा भी है, डायग्रामेटिक पोर्शन भी कवर हो रहा है और साथ ही साथ बच्चे समझा भी रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, टीचर ने भी समझाया है उसी चीज को बच्चे आगे समझा रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा प्रयास बच्चों और टीचर्स का मिलजुल कर। धन्यवाद बेटा। यहां से साथियों, ये अगला मॉडल है। अब यहां से बेसिकली हमारी साइंस शुरू हो जाती है। देख पा रहे हैं वाटर साइकिल मॉडल, वाटर साइकिल, ये किसने बनाया है बेटा? मेरा नाम हिमांशी है। हमने वाटर साइकिल मॉडल बनाया, मैंने अपने अपने साथियों के साथ मिलकर वाटर साइकिल मॉडल बनाया है। इसमें हमारे अध्यापकों ने भी हमारी मदद की है। अच्छा, नदियों और झीलों का पानी, नालों का पानी वाष्प होता है, वायुमंडल में इकट्ठा हो जाता है, तो उससे बादल का निर्माण होता है। बादलों के द्वारा वर्षा, वर्षा और हिमपात के द्वारा ये जल नीचे आता है, पहाड़ों के निकलकर फिर नदियों में मिलता है और नदियों से महासागर में इसमें पानी की प्रक्रिया चलती है। अच्छा, ये वाटर साइकिल होती है, वहीं पर आकर खत्म हो जाती है, साइकिल चलता रहता है। ओके, तो देखिए साथियों, साइक्लिक प्रोसेस समझाया है बच्चे ने वाटर साइकिल मॉडल की हेल्प से। और देखने में, क्योंकि एल शेप में इसको लिया है, ये 3D मॉडल जैसा कुछ लगता है। बेटा, किस किस चीज का इस्तेमाल किया है आपने इसको बनाने में? वाटर कलर्स, थर्मोकोल। तो देखिए साथियों, इसमें कुछ ज्यादा, मेरा भी यही मानना है कि मॉडल ऐसा होना चाहिए जो बेसिकली हमारे कचरे से ही बन जाए।
क्योंकि अगर हम मॉडल्स को बनाने के लिए दुनिया भर का खर्चा करें तो वो मॉडल अपने आप में कहीं ना कहीं खुद को जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं। थैंक यू बेटा। इसके बाद ये अगला मॉडल है साथियों, यहाँ पे एक विंड मिल तो मुझे नजर आ रहा है, ये शायद विंड मिल ही है, पवन चक्की है ये बेटा, आपने बनाया है, अपने बारे में बताइए बेटा। मैं दसवीं कक्षा का छात्र हूँ, मेरा नाम वासदीप है और मैं दसवीं कक्षा में पढ़ता हूँ। ये पवन चक्की है जो विद्युत को उत्पन्न करती है। ये देखिए साथियों, ये देखिए वर्किंग मॉडल है, पवन चक्की है, इसमें शायद यस पीछे एक स्विच भी लगा है, आप देख पा रहे हैं मोटर की हेल्प से इसको बनाया गया है। इसमें बैटरी और डीसी मोटर और बच्चे का और काले चार्ज का यूज हुआ है जो कर रहा है। पवन चक्की, थैंक यू बेटा। तो देखिए साथियों, पवन चक्की का एक मॉडल आपके सामने, बहुत ही अच्छा। उसके बाद ये तंत्रिका कोशिका, साइंस बायोलॉजी का पोर्शन शुरू हो जाता है। ये मॉडल किसने बनाया? इसका केंद्रक होता है और जो ये इसमें छोटे छोटे कण हैं, ये कोशिकाएं हैं और ये जो इसकी ये शाखाएं हैं इसे द्रोमिका कहते हैं और जो इसकी ये है इसे तंत्रिकाक्ष कहते हैं और ये तंत्रिका का सिरा है। ये हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है और धन्यवाद। वेरी गुड बेटा। उसके बाद साथियों ये देखिए बहुत ही बेहतरीन सा एक मॉडल आपके सामने, मानव पाचन तंत्र, ये किसने बनाया है? नमस्कार, मेरा नाम सचिन है और मैं राजकीय विद्यालय की छात्रा में दसवीं कक्षा का छात्र हूँ। देखिए साथियों, मानव पाचन तंत्र को समझाने के लिए एक बहुत ही अच्छा ये मॉडल है, वर्किंग मॉडल है। छोटी आंत बड़ी आंत इसमें सब कुछ दिखाया गया है साथियों। ये देखिए किस तरह से फूड का डाइजेशन होता है बॉडी में और इसको भी गत्ते थर्मोकोल चार्ट इन सब चीजों से बनाया गया है। थैंक यू बेटा। सेव इलेक्ट्रिसिटी, ये संदेश प्रस्तुत करता हुआ एक चार्ट, सेव वाटर, सेव इलेक्ट्रिसिटी, सेव एनवायरनमेंट, सेव एनर्जी, वेरी गुड। उसके बाद ये क्या है? ये देखिए साथियों, मानव उत्सर्जन तंत्र, ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम का एक मॉडल है, वर्किंग मॉडल है ये भी। देखिए किडनीज के फंक्शंस को यहाँ पे दर्शाया गया है, किडनीज किस तरह से वर्क करती हैं बॉडी में। ये देखिए साथियों, बहुत अच्छे एक TLM, बहुत अच्छा एक मॉडल ये साबित हो सकता है एक्सक्रेटरी सिस्टम को समझाने के लिए। थैंक यू बेटा। अब आते हैं साथियों हिंदी, मातृभाषा हिंदी सेक्शन में। सबसे पहला जो चार्ट है वाच्य के भेद, ये देखिए साथियों, क्रम संख्या, भेद का नाम और साथ में उदाहरण। बेटा किसने बनाया है ये? देखिए साथियों, 10th क्लास की बच्ची है ये, प्रीत कौर। मोहन से गाया, वेरी गुड वेरी गुड। इसके बाद साथियों विराम चिन्ह, पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, वाक्य में किस जगह किस तरह का विराम चिन्ह इस्तेमाल होगा,
ये किसने बनाया है? नाम क्या है बेटा आपका? अच्छा, कक्षा नौवीं के छात्र हैं रोहित। वाक्य में बात करते समय हमें हमारे स्वर कुछ बीच में अटक जाते हैं, जिनके लिए हम विराम चिन्ह का यूज करते हैं। नंबर एक पूर्ण विराम, पूर्ण विराम का प्रयोग हम किसी वाक्य के अंत में करते हैं। नंबर दो अर्धविराम, अर्धविराम का प्रयोग हम पूर्ण विराम से थोड़ी देर पहले करते हैं। नंबर तीन अल्पविराम, अल्पविराम का प्रयोग हम बहुत सारी चीजों को बताने के लिए करते हैं। नंबर चार प्रश्न सूचक, प्रश्न सूचक का प्रयोग हम प्रश्नों को बोलने के बाद करते हैं। नंबर पाँच विस्मय सूचक, विस्मय सूचक का प्रयोग हम किसी हराने वाली बात के लिए करते हैं। नंबर देखिए साथियों, साथ में चिन्ह भी दर्शाए गए हैं आगे इस चार्ट में। नंबर छह उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हम किसी विशेष बात को बताने के लिए प्रयोग करते हैं। नंबर सात योजक, योजक का प्रयोग हम किसी दो बातों को जोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे माता पिता, दिन भर आदि। नंबर आठ निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह का डैश, इसको डैश भी कहते हैं, डैश ये थोड़ा छोटा होता है। तो साथियों ये बहुत ही अच्छा चार्ट, विराम चिन्ह बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है किसी सेंटेंस में। साथियों ये हिंदी सेक्शन में अगला चार्ट, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, भूमि प्रदूषण। आज के टाइम का एक ज्वलंत मुद्दा है ये प्रदूषण, जिसके लिए हम सभी बहुत ही ज्यादा कंसर्न हैं। तो ये दसवीं क्लास का छात्र है किशन चौधरी, जिन्होंने अपनी हिंदी की अध्यापिका की हेल्प से इसको बनाया है। बेटा इसके बारे में थोड़ा बताओ। नमस्कार, मेरा नाम किशन चौधरी है, मैं राजकीय उच्च विद्यालय किशनपुरा का दसवीं कक्षा का छात्र हूँ। वर्तमान में प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं, इन प्रदूषणों से बचने के लिए हमें बहुत से उपाय करने चाहिए। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। जल प्रदूषण कंपनियों से निकलने वाला केमिकल वाला पानी और धुएं से, जिसमें हम कचरे को पानी में फेंक देते हैं, जिससे पानी में जलीय जीव मर जाते हैं और उन्हें सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है। नंबर दो वायु प्रदूषण, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं और गाड़ी मोटरों से निकलने वाले धुएं से वायु में प्रदूषण फैल जाता है, जिसके कारण हमें सांस लेने में बहुत ही तकलीफ होती है। नंबर तीन भूमि प्रदूषण, हम भूमि पर पॉलीथीन कचरा फेंक देते हैं, जिसे पशु पक्षी खा लेते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, हमें कूड़े को डस्टबिन में ही डालना चाहिए। नंबर चार ध्वनि प्रदूषण, ये गाड़ियों मोटरों से निकलने वाली आवाजें, जिनके कारण हमें सुनने में बहुत तकलीफ होती है, ये हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। धन्यवाद। वेरी गुड बेटा। उसके बाद अगली प्रस्तुति है साथियों हिंदी सेक्शन में, पर्यायवाची शब्द। ये किसने बनाया है? दसवीं क्लास की छात्रा आशु देवी, बताओ बेटा इसके बारे में थोड़ा सा। बादल, जल, धर, नीरज, यानी के एक ही शब्द को अलग अलग जब शब्दों से एक शब्द के स्थान पे यूज किए जा सकते हैं पर्यायवाची शब्द, है ना, मीनिंग सेम रहेगा। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा प्रयास। इसके बाद साथियों अगला सेक्शन हमारा आता है। बेटा हिंदी का, हिंदी के टीचर हैं आपके साथ में? यस। ये साथियों स्क्रीन पे आप देख रहे हैं श्रीमती मीना कुमारी, राजकीय उच्च पाठशाला किशनपुरा में हिंदी की अध्यापिका। इनके देखरेख में और इनके सहयोग के साथ छात्र छात्राओं ने, ये जो अभी आप हिंदी सेक्शन में सारे के सारे चार्ट्स देख रहे थे, वो इन हिंदी के टीचर और बच्चों ने मिलकर बनाए थे। थैंक यू मैम। और उसके बाद साथियों ये है हमारा संस्कृत का सेक्शन। यहाँ पर लट लकार, लिट लकार, ये सब कुछ एक यहाँ पे चार्ट लकारों का बनाया गया है और एक ये अकारांत पुल्लिंग शब्द बालक। ये किसने बनाया बच्चों? ऐसे ये बनाया तो क्लास सेवंथ के बच्चों ने है, पर शायद यहाँ पे अभी है नहीं, दूसरे सेक्शन में बिजी होंगे। बेटा इसके बारे में कुछ आप बता दो। लकार,
अच्छा, जैसे इंग्लिश में होता है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर वो सब। अच्छा ओके। एक वचन में क्या यूज करना है, द्विवचन में क्या यूज करना है, बहुवचन में क्या यूज करना है, वर्तमान काल में। इसी तरह साथियों भविष्य काल, अतीत काल और आज्ञा आदेश, ये सारे के सारे यहाँ पर लकारें दर्शाई गई हैं। उसके बाद ये बालक अकारांत पुलिंग शब्द, ये सब, ये दोनों के दोनों जो चार्ट्स हैं संस्कृत के हमारे शास्त्री जी हैं श्री पदम देव जी, उनकी देखरेख में बने हैं। तो ये संस्कृत का सेक्शन था। इसके साथ ही साथियों एनईपी मेले में हमारे जो आज के सेक्शंस थे वो सारे सेक्शंस हमने आपको एक एक करके दिखाए। इसका एक हाईलाइट फिर से ले लेते हैं, जरा समअप कर लेते हैं। यहां से हमने शुरू किया था मैथ्स का सेक्शन और उसी में इंट्रोडक्टरी तौर पे आपको दर्शाया गया था न्यू एजुकेशन पॉलिसी की कुछ हाईलाइट्स, ये देखिए साथियों। उसके बाद ये कुछ मॉडल्स, कुछ चार्ट्स बच्चों द्वारा बनाए गए, टीएलएम एक्टिविटी, कुछ और चार्ट्स जो रेगुलर क्लासरूम में बहुत अच्छे से यूज किए जा सकते हैं और फ्रूटफुल साबित हो सकते हैं, ये देखिए साथियों आपके सामने दीवार पे दर्शाए गए हैं। एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करने के लिए वर्किंग मॉडल, आरोही और अवरोही समझने के लिए चार्ट, उसके बाद इंग्लिश सेक्शन और एसएसटी सेक्शन जिसमें हम आए थे, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, जल के स्रोत, वर्षा के प्रकार, आर्टिकल्स। उसके बाद हम साइंस सेक्शन में आए थे साथियों और यहां पे आपने बच्चों द्वारा बनाए गए बहुत से मॉडल्स देखे थे, वर्किंग मॉडल्स, चार्ट्स। उसके बाद हिंदी सेक्शन और लास्ट में संस्कृत सेक्शन। तो साथियों ये था आज का एनईपी मेला। इसके बाद एक झलक हमारा स्टाफ और एसएमसी सदस्य जिनको हमने आमंत्रित किया था आज इस एनईपी मेले को सक्सेसफुल बनाने के लिए, ये देखिए साथियों हमारे सभी एसएमसी के सदस्य, समाज सेवक श्री गुलजारी लाल जी, बहुत ही एक्टिव मेंबर्स हैं हमारे सभी एसएमसी के सदस्य, हमारे माननीय हेडमास्टर सर श्री ललित विक्रम सिंह, हमारा स्टाफ, तो आइए अब चंद शब्द इस एनईपी मेले को समअप करते हैं हमारे हेडमास्टर सर के द्वारा कहे गए चंद शब्दों के साथ। सर प्लीज आज के एनईपी मेला के बारे में कुछ थोड़ा सा बताइए। ये जो हमारी जो हिमाचल प्रदेश सरकार के आदेशों के अनुसार हमने जो है नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 को जो जारी किया गया था पिछले साल, उसको मद्देनजर रखते हुए सरकार के आदेशों के अनुसार हमने जो है ये मेले का एक आयोजन किया है, प्रदर्शनी जैसी है, जिसमें सभी हमारे जो स्कूल के जितने भी टीचर्स थे, जितने भी हमारे जो साथी हैं, इन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है और अच्छे से अच्छा जो है जितना भी हो सकता था कम समय में, क्योंकि अभी जो है हमारा जो है एग्जाम भी सिर पे हैं, तो उसको मद्देनजर देखते हुए जो सभी हमारे जितने भी साथी हैं उन्होंने अच्छे जो है चार्ट्स भी बनाए, मॉडल्स भी बनाए, बच्चों ने भी काफ़ी हेल्प की है और ये आगे जब भी कक्षाएं जो है अगले सेशन के लिए जो बच्चों को कक्षा रूम में जो है पढ़ाई के लिए भी जो है काफ़ी काम आएंगे। तो इसी हिसाब से जो है अगले साल जो क्लास में जो चलेगी, जो कक्षाएं चलेंगी, उसमें बच्चों को जो है काफ़ी मददगार साबित होगी। धन्यवाद। थैंक यू सर। तो साथियों इसके साथ ही अब हम समअप करते हैं आज का एनईपी मेला। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।